नोएडा में कारोबारी का अगवा बच्चा बरामद, मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने कब्जे से छुड़ाया। पुलिस ने महिला छवि पांडे और पति सूरज पांडे सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया, एसटीएफ को 2 लाख के इनाम का ऐलान। सुरक्षित कही जाने वाली बांदर जेल की खुली पोल, मोटी चारदीवारी को फांद कर फरार हुए कैदी। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लोधी स्टेट में कल रात गोली चलने से हड़कंप, सीआरपीएफ के जवान नहीं, सीआरपीएफ के जवान को मारी गोली। गोलीकांड में दोनों जवानों की मौत, दोनों के बीच हुई थी कहां सुनी। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, एसपी अपर्णा गुप्ता और डिप्टी एसपी समेत 4 अफसर सस्पेंड। एडीजी करेंगे संजीत यादव हत्याकांड की जांच, परिवार ने पुलिस पर लगाया फिरौती का पैसा हजम करने का आरोप। 22 जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण, बहन का आरोप, पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए देने के बाद भी नहीं मिला भाई। अपहरण कांड के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से हुआ संजीत की मौत का खुलासा, आरोपियों का दावा गला दबाकर नदी में फेंका। कानपुर कांड पर यूपी में फिर भड़की सियासत, पुलिस ने कानपुर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह को रोका। कानपुर कांड पर प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा, ट्वीट करके कहा यूपी में दम तोड़ रही है कानून व्यवस्था। संजीत के परिवार को 5 लाख की मदद देगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कानपुर कांड में मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा, कहा यूपी में जंगल राज। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और ऑडियो सामने आया, फरार होने के दौरान साथियों से फोन पर मांग रहा था मदद। गैंगस्टर के उज्जैन पहुंचने से 2 दिन पहले का है ऑडियो। मुंबई एटीएस की गिरफ्त में आए गुड्डन के बारे में बार बार पूछ रहा था विकास। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अब तक कातिलों का कोई सुराग नहीं। रीवा में फर्जी पुलिस अफसर बनकर मास्क नहीं पहनने वालों से कर रहा था वसूली, ठगी के धंधे में बेटी को भी किया गया था शामिल। दिल्ली में पब में चल रही हुक्का पार्टी पर पुलिस का छापा, 23 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। वाराणसी में 2 किसानों के विवाद में एक का पुलिस ने लिया पक्ष, दूसरे किसान पर थाने में रहा जुल्म, पीड़ित किसान का भाई सेना में है कर्नल। मुजफ्फरपुर में गौकशी के मामले में एक आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पकड़ा गया बदमाश, खतौली कोतवाली के टॉप 10 बदमाशों में शामिल। कर्नाटक के रायचूर में फ्लैश फ्लड, 23 धार में फंसा शख्स, रस्सियों के सहारे किया गया रेस्क्यू, लहरों के बीच से सुरक्षित निकाला गया। दरभंगा के निचले इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी, प्रशासन अभी बेफिक्र, कहा फिक्र की बात नहीं। समस्तीपुर में बागमती के पानी में डूबे कई घर, सड़क से संपर्क भी टूटा। समस्तीपुर में बाढ़ से भारी नुकसान, 3 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। छिंदवाड़ा में धार के बीच सेल्फी लेने के चक्कर में फंसी 2 लड़कियों की जान, चट्टान पर घंटों फंसे रहने के बाद रेस्क्यू टीम ने बचाया। भागलपुर में पानी की मार से ढेर हुई स्कूल की इमारत, चारों तरफ बाढ़ में गिरने के बाद धार में समाई। मोतिहारी में गंडक के उफान से तटबंध धर्राशाही, गांव में घुसा सैलाब। सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पर बांध टूटा, दर्जनों पंचायतों में भरा पानी। सीहोर में जोरदार बारिश के बाद बीर शहर में बाढ़ के हालात, सड़कों पर बहती धार में बह गई मोटरसाइकिलें। तेलंगाना के विकराबाद में जोरदार बारिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़े, बस्तियों में घुटने तक भरा पानी। बिहार के गोपालगंज में बांध टूटने से आफत, हाईवे पर उतरा समंदर। रामगढ़ में जोरदार बारिश से भैरवी नदी में उफान, नदी किनारे की कई दुकानें धार में बही। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नाग पंचमी पर खोले गए, पूरे साल में एक बार ही खुलता है मंदिर, भक्तों को प्रवेश नहीं। कोलकाता में आज फिर है लॉकडाउन, पुलिस कर रही है गाड़ियों की चेकिंग। उन्नाव में सड़क पर पड़ी मिली टेस्टिंग और पीपीई किट, डीएम ने दिए जांच के आदेश। तिरुपति में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अस्पताल के बाहर जांच के लिए कतार। जम्मू में भी कोरोना को देखते हुए सख्ती, साप्ताहिक लॉकडाउन किया गया लागू। कोरोना के मद्देनजर टिकट चेकिंग के लिए रेलवे की खास मुहिम, बिना छूट टिकट जांच के लिए लॉन्च किया ऐप।
मुंबई में एक कपिल की अनूठी मुहिम, कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी सारी बचत दान की। राजस्थान में छिड़ा नया घमासान, विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल में ठनी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार से विधानसभा सत्र को लेकर मांगे कुछ स्पष्टीकरण। गहलोत कैबिनेट ने रात को ही 2 घंटे तक किया विचार। गहलोत सरकार सोमवार से बुलाना चाहती विधानसभा सत्र, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना संकट के चलते राज्यपाल नहीं दे रहे हैं सहमति। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ गहलोत खेमे का राजभवन परिसर में धरना, विधायकों ने की नारेबाजी। सीएम गहलोत ने लगाया राज्यपाल पर दबाव होने का आरोप, कहा जनता ने राजभवन का घेराव किया तो हम जिम्मेदार नहीं। राजभवन में घमासान पर भड़की बीजेपी, कहा हालत बेकाबू, तैनात की जाए सीआरपीएफ। राजस्थान में हाईकोर्ट ने पायलट गुट को दी बड़ी राहत, याचिका को माना सही, स्पीकर की कार्रवाई पर लगाया स्टे। पायलट खेमे की याचिका पर आगे भी जारी रहेगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने पर दी मंजूरी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे स्पीकर सीपी जोशी, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जारी है सुनवाई। विवादों में आए कारोबारी संजय जैन को 5 अगस्त के लिए भेजा गया जेल, टेप कांड के सिलसिले में एसओजी ने किया था गिरफ्तार। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कोरोना का हवाला देकर की थी भूमि पूजन रोकने की मांग। भूमि पूजन के खिलाफ याचिका पर योगी के मंत्री मोहसिन रजा भड़के, कहा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं साजिश। राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी का बड़ा ऐलान, 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या कार्यक्रम के सिलसिले में आज सीएम योगी जाएंगे अयोध्या, तैयारियों का लेंगे जायजा। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए सवालों के जवाब। दिल्ली के छतरपुर क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग मरीज से रेप की वारदात, दोनों आरोपी भी संक्रमित। दिल्ली के शास्त्री पार्क में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम केजरीवाल, जल्द काम पूरा करने के निर्देश। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हैकर को किया गिरफ्तार, 18,000 कोरोना मरीजों के डेटा में सेल लगाने का आरोप। दिल्ली में यमुना में दिखा जहरीला झाग, पर्यावरण विशेषज्ञों ने जताई चिंता। दिल्ली में कूड़ा निस्तारण में सिविक एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ 40 फुट छोटा हुआ। सोनीपत में तेल मिल में लगी आग, आसमान में सैकड़ों फीट ऊंचा धुएं का गुब्बार उठा। हरियाणा के फतेहाबाद में यूपी पुलिस का जवान गिरफ्तार, अवैध हथियार और शराब तस्करी में शामिल होने का आरोप। लुधियाना में जलजमाव से कई घरों में पड़ी दरारें, लोगों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। संगरूर में कुर्बानी के लिए एक बकरे की 3 लाख तक पहुंची बोली, कान पर अरबी में लिखा है अल्लाह। गुरुग्राम में निजी अस्पताल पर एफआईआर, इलाज में लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत का मामला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे कंप्यूटर बाबा, ग्वालियर में निकाली लोकतंत्र बचाओ यात्रा। इंदौर में नाबालिग रेड़ी वाले का ठेला पलटने के मामले ने पकड़ा तूल, नगर निगम ने बिठाई जांच। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का विवादित बयान, कहा बिकने वाले जनप्रतिनिधियों से कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। रायसेन में बकाया बिजली बिलों की वसूली में सख्ती, किसानों की बाइक और ट्रैक्टर की हो रही है कुर्की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले वीडियो जारी कर जताया था हमले का शक। सुपौल में सांस की तकलीफ के बीच सड़क पर घंटों तड़पता रहा एक शख्स, खबर देने के बावजूद नहीं पहुंची पुलिस की टीम और डॉक्टर। रोहतास के सरकारी अस्पताल में लापरवाही और संवेदनहीनता की हद, कोरोना मृतक की अधजली लाश को आवारा कुत्तों ने नोचा। दशहरा में दिखी कोरोना संकट और आर्थिक तंगी की दर्दनाक तस्वीर, घर चलाने के लिए नाबालिग लड़की रिक्शा खींचने को मजबूर। गोपालगंज में बाढ़ के चलते भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंचा हिरण, ग्रामीणों ने पकड़कर बंदरगाह को सौंपा। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी किया वायरल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के भाई और विधायक नीरज सिंह ने लोगों से की सुशांत की आखिरी फिल्म देखने की अपील, फिल्म को बताया एक्टर के लिए श्रद्धांजलि। सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है रिलीज, करीब 1.5 महीने पहले एक्टर ने की थी खुदकुशी।
पटना में पीएमसीएच के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री घेरे, नर्सों और अस्पताल स्टाफ ने की सुविधाओं की कमी की शिकायत। जोरदार बारिश ने बिगाड़ी पटना की सूरत, दानापुर के पौश इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर 1,00,000 के जुर्माने के नियम पर सियासत भड़की, बीजेपी के विरोध को जेएमएम ने खारिज किया। बिहार, यूपी और असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों को राष्ट्रपति ने दी मदद, राहत सामग्री से लदे ट्रक रवाना। असम में बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत, 10,00,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। असम के नौगांव में भारी बारिश के चलते कार्बी बांध के गेट खोले गए, गांव जलमग्न। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ से घिरा पूरा इलाका, जानवरों के सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा है पाक प्रशासन। असम के सोनमपुर में भी हालात गंभीर, बाढ़ में गुम हो चुकी हैं सड़कें और पुल। पुणे की बुजुर्ग महिला ने सड़क पर लाठी से दिखाया जोरदार करतब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंदसौर में एक तोते पर मालिकाना हक के मामले में दो परिवारों में विवाद, थाने में हुआ निपटारा। प्रयागराज के नागा वासुकी मंदिर में इस साल नहीं लगेगा नागपंचमी का मेला, कोरोना संकट के चलते पाबंदी। पुणे में पैरोल पर छोड़े गए अपराधी, रंगे हाथ पकड़े गए, चोरी की 5 कार और 2 2-व्हीलर बरामद। अमृतसर में पाबंदी के बावजूद खुले मसाज पार्लर पर छापा, विदेशी लड़कियों के साथ 9 युवक गिरफ्तार। मेरठ में दंगा नियंत्रण वाहन से कुचलकर एक शख्स की मौत, लोगों ने पुलिसकर्मी को पीटा। यूपी के बाराबंकी में जमीनी विवाद में खूनी झड़प, सगे भाइयों ने की छोटे भाई की हत्या। पानीपत में पेट्रोल पंप पर बंदूक दिखाकर लूट, सीसीटीवी में दर्ज हुई पूरी वारदात। कांचीपुरम में कोविड अस्पताल में मरीजों का प्रदर्शन, बद इंतजामी का आरोप। कश्मीर के कुपवाड़ा में कोरोना को लेकर पुलिस की मुहिम, मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती। खरगोन में कोरोना के डर से अंतिम संस्कार की रस्में भी प्रभावित, मुंडन करने से नायिका इनकार। गुना में इलाज के अभाव में टीवी मरीज की मौत, परिजनों का आरोप, सरकारी अस्पताल के स्टाफ ने मांगे पैसे। नासिक में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। जी में नहर से मिले 2 सगी बहनों का शव, पिता पर ही हत्या का आरोप। ऊटी के क्वारंटीन सेंटर में दिखी बड़ी लापरवाही, इस्तेमाल हुई पीपी किट को बंदरों के झुंडे इधर उधर फैलाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।